दोस्तों, आपने ब्लैक मैजिक यानी काला जादू के बारे में तो बहुत सुना ही होगा, और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ब्लैक मैजिक पे बिलीव करते होंगे या फिर नहीं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे गांव के बारे में जिसने काला जादू की मदद से मुगल राजाओं से युद्ध जीता था और उनके पास हर बीमारी का इलाज हुआ करता था। तो आइए दोस्तों, वीडियो करते हैं डायरेक्ट शुरू। दोस्तों, असम राज्य में मयोंग नाम का एक गाँव है। मयोंग गाँव इंडिया में काला जादू के लिए बहुत फेमस है। मयोंग नाम एक संस्कृत शब्द माया से बना है जिसका अर्थ होता है भ्रम। दोस्तों, जिस प्रकार गांव में मछली पकड़ना, खेतीबाड़ी करना, मिट्टी के बर्तन बनाना या फिर शिकार करना सिखाते हैं अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को, ठीक उसी तरह इस गांव के लोग अपने पीढ़ी को ब्लैक मैजिक करना सिखाते हैं। ऐसा माना जाता है मयोंग गांव के लोग कई तरह के जादू कर सकते हैं। वहाँ के लोग काले जादू का इस्तेमाल अच्छे और बुरे काम के लिए करते हैं। अगर हम मयोंग गांव के इतिहास की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये काले जादू की परंपरा 100 सालों से चल रही है। वहाँ के रहने वालों की बात माने तो सन 1337 में इस गांव के तांत्रिकों ने मोहम्मद शाह के 1 लाख घुड़सवार को अपने काले जादू की मदद से गायब कर दिया। इसके अलावा सन 1667 में औरंगजेब ने अपने जनरल राजा राम सिंह को आसाम की सेना पर कब्जा करने के लिए भेजा, लेकिन राजा राम सिंह के लोगों ने मयोंग के काले जादू के बारे में सुनते ही लड़ाई से इनकार कर दिया। वहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि युद्ध में मयोंग के काले जादू का भरपूर इस्तेमाल किया गया था, यही वजह थी कि कोई भी सेना उनके आगे टिक नहीं पाई। दोस्तों, मयोंग गांव में खुदाई करने पर कुछ ऐसे ब्लेडें मिली जिसका इस्तेमाल इंसानी बलि देने के लिए किया जाता था। इससे लोगों ने ये अनुमान लगाया कि कुछ सालों पहले मयोंग गांव में इंसानी बलि दी जाती थी। इन सब के अलावा मयोंग गांव में इस तरह की कहानियां फेमस है जिसमें से लोगों को उन्हें पूर्वज द्वारा कड़ी जाने वाले जादू के बारे में बताया जाता था। लोगों के हिसाब से उनके पूर्वज जानवर का रूप ले सकते हैं, लायन और टाइगर को कंट्रोल कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं और यहाँ तक कि गायब भी हो सकते हैं। इस तरह के जादू को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कई तरह के मंत्रों का इस्तेमाल करते थे, जैसे उड़ान मंत्र, लोकी मंत्र एक्सेट्रा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि कई बार यहाँ के लोग अपने जादू का इस्तेमाल बुरे काम के लिए करते हैं, जैसे किसी को चोट पहुंचाना या फिर किसी को अपने वश में करना इत्यादि। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि उनके पास कई तरह की जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन वो किसी तरह के नेचुरल चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वेदर चेंज हो गया। तो वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए बने रहिए और ऐसी और वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू।